वहीं आपको बता दें कि झारखंड में तेज तर्रार नेता के रूप में पहचान बना चुके कांग्रेस के प्रदीप यादव ने विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से पहले मुंसिफ नुमाइंदे अनवर हुसैन से बात की है, आप खुद ये बात सुने। के कर्ज तक का माफ़ी का ऐलान किया है, इससे किसान तबके में बहुत खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए जो मजमूई फंड का अलॉटमेंट हुआ है और फिल वक्त जो किसान मुतासिर है आप ये से खुशकसाली से, तो वो काफ़ी नहीं होगा 2 लाख रुपये कर्ज माफ़ी का, क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, ये तो टोकन मनी होता है ना बजट में, ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जितनी रुपये की आवश्यकता होगी आपने देखा होगा पूरे पैसे दिए जाएंगे। अगर सरकार कोई निर्णय किए तो ठोंक बजा के किए है, और हमें लगता है कि सारे किसानों को राहत मिलेगा और सरकार के इस निर्णय से किसानों में काफ़ी खुशी है। प्रधानमंत्री कल धनबाद दौरे पर आए, 35,000 से ज़्यादा करोड़ का सौगात उन्होंने दिया, इससे वास्तविक तौर पर झारखंड को फायदा होने वाला है या फिर ये चुनावी आंकड़ों की कलाबाजी थी? ये केवल चुनावी दौरे थे उनके और चुनावी बयानबाजी करके वो यहाँ से गए हैं, और हमें नहीं लगता कि झारखंड को कुछ देने के लिए आए थे। झारखंड वो अपने वोट बैंक जो खिसका हुआ वोट बैंक उसको ठीक ठाक करना चाहते थे अपने बयानों से, लेकिन ना तो उनको राजनीतिक फायदा हुआ ना तो झारखंड को कोई फायदा हुआ। थैंक यू। मुंसिफ का एक अहम सवाल सर, आप जो है जब से देख रहे हैं लगभग एक लंबे अरसे से आप अल्पसंख्यकों के हित के मामले को वार्ड में उठाते रहे हैं, असेंबली में उठाते रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आया है। वो 2000 से लेकर अभी तक, चाहे वो जो है वक्फ बोर्ड का मामला हो, अकलियती कमीशन का मामला हो, इस तरह के और भी बोर्ड कॉरपोरेशन हैं जो अभी तक गठित नहीं हो पाया है, तो आपकी आवाज़, आप तो आवाज़ उठाते रहते हैं लेकिन क्या सिर्फ आश्वासन मिलता रहेगा कि इस पर ठोस कार्रवाई भी होगी? नहीं, हमें लगता है कि यह सरकार थोड़ी गंभीर है उन विषयों को लेकर के, और अब हमें परिणाम देखने को मिलेगा। थैंक यू सर।